सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके लिए मैं बहुत उनका सारा गाना मैं सुनती हूँ, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर उनके लाइफ में एक लड़की सुसाइड की समझ में आता है, दूसरी भी सुसाइड की, जब तीसरी से उनका अच्छा अफेयर चल रहा था और उनकी कास्ट में थी, उनको शादी कर लेनी चाहिए थी अक्षरा सिंह से, फिर वो ज्योति सिंह को ले आते हैं अपने लाइफ में, उसको भी अच्छे से नहीं रखते, तो वो अच्छे इंसान नहीं है, करेक्टर वाइज वो बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे ख्याल से। पवन सिंह, ज्योति जी एक हो जाए, हम ही नहीं पूरे हम कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, बस सब लोग देखना चाहता है जो जानता है कि पवन सिंह ज्योति जी का तलाक हो गया है। ठीक है, अपने जगह पे सब होता है, उनका आपसी मामला है, वो क्या किए क्या नहीं किए, किसके साथ क्या हुआ, कितना झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, ये सब होता रहता है। हम कहेंगे अब से लोग एक हो जाते तो बहुत अच्छा। इसको मैं मतलब एक अभिनेत्री एक आर्टिस्ट से अलग रख के मैं बोल रही हूँ। और रहा बात दवा खिलाने का, तो आप किसी जान को आने से पहले ही मार दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये किए हैं पवन सिंह जी, तो प्लीज़ ऐसा आगे मत कीजिएगा, और बाकी ये वाद विवाद तो चलते ही रहेगा। आपको क्या लग रहा है कब रुकेगा ये मामला? मामला हमको लगता है दिन पे दिन और बिगड़ते जा रहा है। जैसा अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह, पवन सिंह, ये लोग को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये मामला सिमटने वाला नहीं है। एक बीवी गलत हो सकती है, दो बीवी गलत हो सकती है, तीन चार कैसे। हम पवन सिंह को गुरु मानते हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, माँ सरस्वती का वास है उनमें, उन सुरों के बादशाह हैं सब लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना पारिवारिक जीवन भी तो अच्छा बना के रहना चाहिए ना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त सुर्खियों में ज्योति सिंह और पवन सिंह है। जिस तरीके से दोनों का जो मैटर है वो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, और कोई नहीं बता सकता कि कोर्ट का क्या निर्णय होगा, लेकिन ज्योति सिंह बार बार मीडिया में आके पवन सिंह के बारे में एक पर एक खुलासा किए जा रही है, और पवन सिंह कहते हैं कि जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन धरती हिल जाएगा। अब ये नहीं पता कि पवन सिंह को धरती हिलाने से रोक कौन रहा है, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लड़कियां हैं वो क्या सोचते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के बारे में, हम इस वक्त उसी पर बात करेंगे। मैम पहले तो जिस तरह आपका भी एक फिल्म आ रहा है, आप भी रील मोड में हैं, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह पर इस वक्त हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, किस तरीके से इस मैटर को आप देख रहे हैं? और ये पति पत्नी का बीच का बात है, तो मैं पवन सिंह जी से और ज्योति सिंह जी से दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग बातचीत करके चीज़ों को सुलझाएं, क्योंकि घर की चीज़ें बाहर आती है तो थोड़ा बुरा लगता है, बाकी तो ये उनका आपसी मैटर है। घर की चीज़ें बाहर आती है तो बुरा लगता है, आप लड़की हैं, ज्योति सिंह को समझ सकती हैं अच्छे तरीके से कि ज्योति सिंह का शादी हुआ 5 महीने के बाद ही ज्योति सिंह को अपना पति का घर छोड़कर जाना पड़ता है अक्षरा सिंह के वजह से। ज्योति सिंह पर प्रेशर बनाया जाता है, कहा जाता है कि ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। अक्षरा सिंह उस समय प्रेग्नेंट थी, जो अक्षरा सिंह खुद ज्योति सिंह को कहती है कि मैं पवन सिंह के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये तमाम जो मुद्दे हैं मीडिया में चल रहे थे, जिसके बाद ज्योति सिंह अपने मम्मी पापा के घर पर रह रही है, 3 सालों से अलग रह रही है, और अब कोर्ट में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? लड़की के साथ सही हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके लिए मैं बहुत उनका सारा गाना मैं सुनती हूँ, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर उनके लाइफ में एक लड़की सुसाइड की समझ में आता है, दूसरी भी सुसाइड की, जब तीसरी से उनका अच्छा अफेयर चल रहा था और उनकी कास्ट में थी, उनको शादी कर लेनी चाहिए थी अक्षरा सिंह से, फिर वो ज्योति सिंह को ले आते हैं अपने लाइफ में, उसको भी अच्छे से नहीं रखते, तो वो अच्छे इंसान नहीं है, करेक्टर वाइज वो बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे ख्याल से। ज्योति सिंह का जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, सभी जानते हैं, लेकिन पवन सिंह पर बार बार ब्लेम लगाना, और पवन सिंह 3 शादी कर चुके हैं, छोटा भाई का बयान निकल कर सामने आता है कि भैया 4th शादी करेंगे, 4th भाभी आएगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी इन्होंने कहा है कि उन लोगों का आपसी मामला है, ठीक है, और रही बात ये कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, मैं बस यही कहूँगी एज अ आर्टिस्ट होने के नाते कि वो इतने बड़े सिंगर हैं, इंडस्ट्री में तो अपना नाम बना लिए, लेकिन अपने जो जीवन का वो होता है उसमें अपना नाम नहीं बना पाए। हर तरफ से उनको, मतलब इस मामले में तो उनको बुरा भला ही बोला जाता है कि वो मतलब वाइफ के मामले में ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दिन ऐसा कर दे, एक दिन ऐसा दिखा दे कि पूरे दुनिया वाले जो भी बोल रहे हैं उनको, उनका बोलती बंद कर दे पवन जी। मैं बस यही देखना चाहती हूँ, और ये देखना चाहती हूँ कि पवन सिंह, ज्योति जी एक हो जाए, हम ही नहीं पूरे
हम कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, बस सब लोग देखना चाहता है जो जानता है कि पवन सिंह ज्योति जी का तलाक हो गया है। ठीक है, अपने जगह पे सब होता है, उनका आपसी मामला है, वो क्या किए क्या नहीं किए, किसके साथ क्या हुआ, कितना झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, ये सब होता रहता है। हम कहेंगे अब से लोग एक हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। महिला हैं आप, अच्छे से महिलाओं का दर्द समझते हैं। ज्योति सिंह मीडिया में आकर रो कर कहती है कि पवन सिंह मेरे साथ हर रोज रात को संबंध बनाते थे। महिला हैं, महिलाओं का दर्द अच्छे से समझते हैं। ज्योति सिंह मीडिया में आती है और आकर कहती है कि पवन सिंह हर रोज रात को मेरे साथ संबंध बनाते थे और सुबह उठते ही मुझे दवा खिला देते थे कि मैं कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। और इस बात को पवन सिंह सीना चौड़ा करके कोर्ट में भी कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है दवा खाती है, उसका नाजायज ताल्लुक। देखिए, जहाँ तक उनका आपसी संबंध है, किससे उनका क्या संबंध है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक औरत होने के नाते इस चीज़ को मैं एक औरत के नाते देख रही हूँ कि अगर आप किसी साथ संबंध बनाते हो तो ज़बरदस्ती संबंध मत बनाइए। इसको मैं मतलब एक अभिनेत्री, एक आर्टिस्ट से अलग रख के मैं बोल रही हूँ। और रहा बात दवा खिलाने का, तो आप किसी जान को आने से पहले ही मार दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये किए हैं पवन सिंह जी, तो प्लीज़ ऐसा आगे मत कीजिएगा। और बाकी ये वाद विवाद तो चलते ही रहेगा, बाद विवाद चलते रहेगा। आपको क्या लग रहा है कब रुकेगा ये मामला? मामला हमको लगता है दिन पे दिन और बिगड़ते जा रहा है। जैसा अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह, पवन सिंह, ये लोग को देख करके ऐसा लग रहा है कि मामला सिमटने वाला नहीं है। हम सब इंडस्ट्री के लोग चाह रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द सिमट जाए, लेकिन सिमटने के इति में ये फंस ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हो रहा है। इसे क्या है ना कि छवि बिगड़ रहा है और हम छोटे आर्टिस्ट पे भी उसका असर पड़ रहा है। और बाकी उनको पवन सिंह को देख करके और भी सिंगर लोग के अंदर वो जगता होगा गलत भावना कि मैं भी दो तीन शादी करूं, मैं भी छोड़ूं, गर्लफ्रेंड बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो ऐसा अभी हाल ही में मतलब ऐसे ऐसे बहुत सिंगर्स भी कर रहे हैं सेम चीज़ें, तो ये गलत है, बहुत गलत है। मैं लड़की हूँ और एक लड़की का दर्द मैं समझ सकती हूँ। अक्षरा सिंह गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ज्योति सिंह भी गलत नहीं है, अपने जगह पे अक्षरा सिंह भी सही है, ज्योति सिंह भी सही है। अपने क्या करेंगी, वो लोग बयान नहीं देंगी। पवन सिंह, आपको लगता है हमारे सीधे क्या बताए, कैमरे पे बता दे रहे हैं, एक बीवी गलत हो सकती है, दो बीवी गलत हो सकती है, तीन चार कैसे। हम पवन सिंह को गुरु मानते हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, माँ सरस्वती का वास है उनमें, उन सुरों के बादशाह हैं सब लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपना पारिवारिक जीवन भी तो अच्छा बना के रहना चाहिए ना, बस यही। ये सब देखकर कितना सम्मान आपके दिल में पवन सिंह के लिए बचता है? एज अ आर्टिस्ट मैं बोलूँ तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उनके गाने मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, जब मैं मतलब शायद 3 या 4 क्लास में होगी। और एज अ ह्यूमन बींग कहूँ तो डगमगाता है विश्वास पवन सिंह का चरित्र को देखकर। हाँ बिल्कुल। हम लोग का देखिए, हम दोनों का यही कहना है, हम दोनों लड़की हैं, हम लोग यही कहते हैं कि पारिवारिक चीजें सुलझ जाए, सब सही हो जाए बस। और हम लोग के बीच में परिवार को मीडिया में ज्यादा लाकर उछाल कर अपना ही इज्जत का कचरा होता है। पूरा परिवार एक होकर बैठे, गहरा चिंतन मंथन करे, मामले को सुलझा ले। कोर्ट में, कोर्ट आपको न्याय दिला सकती है, आपको इज्जत तो नहीं ना दिला सकती है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे, ये वो चमकते हुए स्टार हैं भोजपुरी के जो अभी अभी कदम रखे हैं और इनकी जो आसमान पे जो है वो बुलंदी चल रही है। लेकिन किस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर से ये भी चिंतित है, जिस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर चल रहा है उनसे इनकी छवि भी खराब हो रही है, इनका कहना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।